अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमजा यासीन मक्का मुकर्रमा में। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हरम की तरफ। आप पीछे देख रहे हैं सब असर की नमाज़ के लिए आवाम आ रही है, और थोड़ी सी शॉप लगी है छोटी छोटी, आपको वो भी दिखाता हूँ। अजान शुरू होगी। जी तो अजान हो चुकी, तो ये सफ़ें बननी शुरू हो गई हैं यहाँ पे, सुनते हैं अदा करेंगी वहाँ। अभी हम भी कहीं देखते हैं जगह, अगर मिलती है तो बैठ जाते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा आज हो गया, कल रात को इतना नहीं था जब उम्रा किया है। चलो देखते हैं, अभी नमाज पढ़ ली है असर की, तो अभी अंदर की तरफ चलते हैं। रशी आप देख रहे हैं काफ़ी आवाम जाई जा रही है, वापस कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये सिलसिला चलता ही रहता है यहाँ पे। तो चलते हैं अंदर भी देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको दिखाने बनती है यहाँ पे, वो है यहाँ पे शाही कावा और खजूरें वगैरह दे रहे हैं आपको, दिखाते हैं। हमने तो पी ली है, काफ़ी अच्छा वो दिखाता हूँ। स्टॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये इस साइड से आए, अगर आप देख लें एंड वाला गेट है तो ये स्टॉल बने हुए हैं यहाँ पे। भाई खजूरें दे रहा है, खजूरें दे रहा है, वो आगे स्टॉल बना हुआ है, वो शाही दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वहाँ खजूरें दे रही है, और इस साइड पे शाही है, शाही और काफा। शाही दूध वाली नहीं होती, पानी और पत्ती, और कावा इनका अरेबिक कावा होता है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़रा कड़वा है। ये इधर शाही देते हैं, फिलहाल इनके पास तो कावा ख़त्म हो गया, ये भी खजूरें डिवाइड कर रहे हैं, और एक वो अगर स्टॉल लगा हुआ है वो भी खजूरें दे रहे हैं। खजूरें इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, सो अगर आप यहाँ चक्कर ज़रूर लगे तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए। कितना रश है, अभी असर का टाइम हुआ है तो बाकी रश होता नहीं यहाँ पर। अभी जाते हैं हरम की तरफ और आपको वो भी दिखाता हूँ। ये अभी जा रहे हैं हरम की तरफ, तो ये आप फैन भी देख रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, इनकी वजह से यहाँ पे मौसम टेम्परेचर ठीक रहता है। रश आप देख रहे हैं, काफ़ी कहीं देखते हैं शाम वगैरह और बैठ जाते हैं उधर। ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलती ही रहती है तकरीबन, ना कभी रुकी नहीं, जब भी आए कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। ये एक लॉकर है, ये यहाँ पे सभी लोग हैं जो व्हील चेयर पर आपको बैठा के उम्रा करवाते हैं। अगर चलने के काबिल ना हो गई तो फिर व्हील चेयर पर बैठ के उम्रा कर सकता है। रेट्स मैंने कल इनके देखे थे तो 57.5 की इलेक्ट्रिक कार है, और ये 50 रियाल तकरीबन ये कहते हैं, शायद 40 कर दें सिर्फ सही का, मतलब सफ़ा मरवा का। और अगर उम्रा करना है तो वो कम्प्लीट, अगर इलेक्ट्रिक कार पर करना है तो वाफ और सही, तो 115 रियाल।
और अगर इनके थ्रू करना है तो वो तकरीबन 100 रियाल के इर्द गिर्द आपको इमरा करवाते हैं। तो ये भी आप जहन में रख लीजिए कि आपके सामने फैंस चल रहे हैं या पानी इनके नीचे से आ रहा है। तो सामने नीले शीशा वाली बिल्डिंग, रश आज ज़्यादा लग रहा है काफ़ी। जाते हैं साथ साथ देखते हैं कि हमें कहाँ जगह मिलती है। इन्होंने आराम के अलावा नहीं जा रहे, दे रही है सामने काबा दुल्ला। और ये सारे खड़े हुए हैं बगैर अहराम के, जाने नहीं देते। चलते हैं आगे और देखते हैं साथ साथ। रश इसलिए ज़्यादा है कि अभी तकरीबन सारे हजार कराम अभी इधर ही हैं, कोई इंडिया से, कोई इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे ना, और पाकिस्तानी भी अभी काफ़ी यहाँ पे हैं जिनकी तकरीबन 20 के पास फ्लाइट शुरू हो रही है। अभी फैन के आगे से गुजरे हैं तो काफ़ी पानी लगा है, बड़ी ठंडी हवा दे रहे हैं। सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा है। एक टेल से अगर दिखाना चाहूँ तो शायद आपको पानी भी नज़र आ रहा हो। सारा पानी वाले पंखे हैं, काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। चलते हैं आगे। पिछले टूर्स में हम जब आते थे तो इस गेट के थ्रू आते थे और यहाँ मेंस टॉयलेट है, इधर किधर भी लेडीज भी होंगे। देखें आप, ये देखें आप, जमजम के ना कूलर लगे हुए हैं, यहाँ पर जितना मर्जी जमजम मर के दिए कोई मसला नहीं। और ये जमात भी हो रही है, एक अभी पीते हैं जमजम, खाते हैं। बिस्मिल्लाह, मोबाइल पकड़ लेता हूँ उसके हैंड में। अभी जमजम पी लिया है तो फिर बैठते हैं, ट्राई करते हैं कहीं पे बैठ के। तो इस दफ़ा आपको फिर व्यू दिखाता हूँ बैक साइड का, देखें आप। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. पहले जाते हैं आपको वॉशरूम भी इनके दिखाते हैं कैसे हैं, निज़ाम इनका कैसा है। फिलहाल रश तो काफ़ी ज़्यादा हुआ बड़ा। जाते हैं और आपको दिखाते हैं, ये इनके वॉशरूम्स आपको विज़िट करवाता हूँ कि कैसा इनका निज़ाम है। एक्सेलेटर लगे हैं ऊपर आने के, नीचे आने के। अभी जाते हैं नीचे, सफाई का काफ़ी अच्छा निज़ाम है यहाँ।
अगर किसी ने कुछ किया तो उनको भी बता ही सकते हैं। ये पानी पीने के लिए, और एक टिप आपका दे दूँ, ये देखें आप रश है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आ गए अगेन नीचे बेसमेंट नंबर 2 में जाएंगे ना तो वहाँ आपको रश नहीं मिलेगा। एक दफ़ा इधर भी बने हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक दफ़ा कहीं होता है नीचे बने होते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये नीचे भी जा रही है, बेसमेंट नंबर 2 है, यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता। तो कभी रश ऊपर और आप नीचे आके कर सकते हैं। ये इनके वाशरूम्स हैं यहाँ बने, ये भी ये वजू खाने हैं इधर, यहाँ पे वजू वगैरह करते हैं। ये शॉप वगैरह लगा है, ड्राई वगैरह भी इधर लगे हैं आप देख रहे हैं। तो चलती हैं फिर बाहर और जाके आपको चलते हैं ले गए बेक की तरफ जाते हैं, ट्राई करते हैं अगर मिलता है ठीक। अभी बिल्डिंग में आ गए हैं जबले उमर वाली में, मक्का से हरम से निकले, साइड पे किसी से भी पूछ लें जबले उमर तो बता देंगे आपको। अभी दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। तकरीबन सब ब्रांड्स यहाँ पे हैं, परफ्यूम ब्रांड्स, ये एक शॉपिंग हब कह सकते हैं। और सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे आई थिंक सो हर बेक है, देख जाते हैं और साथ देखते हैं। इधर से ऊपर चढ़ के हैं तो वो बता रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर पे टैक्सी। अजीद ऊपर जाना है, देखिए ये तकरीबन चौथे फ्लोर पे है सारे खाने वाले अपने, दिखाते हैं आपको। ये ब्रांड शुरू हो गए हैं खाने वाले, और चीन 10 ब्रांड, रेदान, शवारमात, और इधर है वो सामने अलबेक नज़र आ गया। विराश भी दिखाते हैं आपको कैसे। ये हार्डीज रश नॉर्मली, कोई इसमें रश नहीं है। कैंटकी, केएफसी, ये भी रश नॉर्मली है। ये हैप्पी होम, और ये जान बर्गर, और ये बिलारी, ये भी ब्रोस्ट है, ये ब्रोस्ट है अरबी, ये सामने अल बेक साहब ब्रोस्ट है, अरबी के साथ है मामा गजल तो ब्रोस्ट है। और आपको भी लाइन दिखाता हूँ, ये अल बेक है, ये तो लेडीज वाला सेक्शन है। ये रश है जेंट्स वाला, ये इतना रश है। ये देखते हैं कि खड़ा होना भी है यहाँ पे कि नहीं। अलबेक का रश का अंदाज़ा लगा के तो हमने भी सोचा है कि अलबेक को फिलहाल करते हैं कैंसिल, क्योंकि भूख लगी है और टाइम नहीं है। अभी ब्रोस्ट या अरबी या ब्रोस्ट आम इनमें से कोई ट्राई करते हैं, ये देखते हैं फिर। तो ये भी फाइनल हुआ है ब्रोस्ट, तो उनका करते हैं 20 रियाल पर ब्रोस्ट खराब मतलब स्पाइसी, देखते हैं अभी और आप दिखाएंगे भी कैसा है। कल बेक काफ़ी रश है, बाद में देखते हैं मिल गया ब्रोस्ट, चलते हैं हरम उधर खाते हैं। इसकी शेप सूरत साथ में मरिंडा हम दिया लाइक ऑलवेज, लग तो ठीक ही रहा, चले खाते हैं ठीक है। अच्छा जी, अब खाना खा लिया है तो काफ़ी स्पाइसी था ब्रोस्ट, अभी जा रहे हैं होटल की तरफ।
यहाँ से पैदल जाते हैं टैक्सी स्टैंड तक, तो मैम उधर से टैक्सी लेंगे तो हो जाएगा। लाहौर में है तकरीबन 900 मीटर्स, जाके बनाते हैं रूम टूर भी करते हैं। अगर ये भी छोटे छोटे पर्स हैं 10-10 रियाल बगैर जिप के, बैग कह सकते हैं आप, कपड़े के बैग्स, ये बैग्स लगे हैं। रूम टूर करें, होटल टूर, चलिए चलते हैं फिर अंदर। ये एंट्रेंस है इसकी, रिसेप्शन। ये रूम्स की तरफ जाती है लिफ्ट, ये लॉटरी लगा है, वेट करते हैं लिफ्ट का। ये कोई भी हमारा चूंकि 3193 रूम आपको दिखाते हैं, देन उसके प्राइसिंग वगैरह मेंशन करते हैं, रूम की आपको क्वालिटी दिखाते हैं। ठीक है, सो 311, ये 312 हमारा रूम है। कारपेट चेक करें आप, थ्री वन नाइन, सो ये कार्ड और ये ओपन हो गया। चलिए देखते हैं, ये इंट्रेस है, इंट्रेस के साथ ये किटली दी है आपको, और ये फ्रिज दी है पानी के लिए। उसके अलावा ये कबर्ड है, और ये मास्टर बेडरूम है, ये 3 बेड्स का काफी खुला रूम है 3 बंदों के लिए। और चलिए अब वॉशरूम का टूर देते हैं, वॉशरूम इसका कैसा है। ये वॉशरूम है जी, वेस्टर्न स्टाइल का, और ये ड्रायर वगैरह भी उन्होंने दी हुई है। सो ये था आज का रूम टूर, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम थोड़ा सा आराम कर लें और थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग भी कर लें। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।